हेलो एवरीवन, एक दफ़ा दोबारा आप सबको वेलकम जी लेक्चर नंबर 9 के अंदर। और लास्ट कुछ लेक्चर्स में हम लोगों ने सीखा था कि ग्राफिक्स के साथ कैसे काम किया जाता है, टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियोज और बहुत कुछ। तो आज हम लोग सीखेंगे कि ट्रांजिशंस कैसे अप्लाई की जा सकती हैं अपने डिफरेंट एलिमेंट्स के अंदर जो भी हम लोग अपनी टाइमलाइन में यूज़ कर रहे हैं। तो आप लोग बहुत एक्साइटेड होंगे इसके लिए, तो आइए शुरू करते हैं। ओके जी, ट्रांजिशंस अप्लाई करने के लिए आपको कोई ज़्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा और ये एक बहुत ही सिंपल सा सादा सा स्टेप है जो हम देख लेते हैं। अच्छा जी, इसमें डिफरेंट वेज हैं जी ट्रांजिशंस अप्लाई करने के। सबसे पहला वे अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो वो ऐसा है कि अगर आप अपनी टाइमलाइन में आते हैं और आपने यहाँ पे डिफरेंट वीडियो क्लिप्स का यूज़ किया हुआ है, तो सपोज़ मैं ये वाला वीडियो क्लिप और ये वाला, मैं इनके दरमियान में एक ट्रांजिशन को अप्लाई करना चाहता हूँ। तो अगर मैं इस पे, ये देखें, मैं अगर इनके कट्स पे लेकर आता हूँ तो मुझे कुछ एरोज़ नज़र आ रहे हैं, मुझे कोई रेड एक ब्रैकेट नज़र आ रही है विद एरो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या करूँगा, मैं इस कट पर आके राइट क्लिक करूँगा और ये देखें अप्लाई डिफ़ॉल्ट ट्रांजिशंस, मैं सिंपल इस पर क्लिक करूँगा एंड दैट्स इट। तो इतना ही आसान है ट्रांजिशन को अप्लाई करना। मज़ीद इसको एक्सप्लोर करते हैं जी। तो अगर मैं अपने हेड को ज़रा इस ट्रांजिशन पे मूव करके देखता हूँ और देखता हूँ कि ये वन क्लिप से सेकंड जो इसका अगला क्लिप है उस पर ये कैसे मूव करता है इस ट्रांजिशन के साथ, तो ये देखें That's it। तो ये एक बड़ी खूबसूरत सी एक ट्रांजिशन उसने अप्लाई कर दी है। अच्छा जी, यहाँ पे हम एक और चीज़ नोट करते हैं कि अगर मैं अपने इस ऑडियोज और वीडियोस को थोड़ा सा जूम इन कर लूँ, मैं अपने वीडियो क्लिप्स को थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। अगर आप लोग यहाँ पे देखें, जो ये वाला वीडियो क्लिप है इसका कोई ना कोई साउंड भी होगा और इस वीडियो का भी कोई ना कोई साउंड होगा। तो इसने यहाँ पे क्या किया है, इसने यहाँ पर वीडियोस के ऊपर वीडियो ट्रांजिशन अप्लाई कर दी है और ऑडियो क्लिप्स के ऊपर ऑडियो ट्रांजिशन को अप्लाई कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉन्स्टेंट पावर के नाम से एक उसने ऑडियो क्लिप्स के ऊपर ट्रांजिशन अप्लाई की है, ठीक है, और यहाँ पे उसने क्रॉस डिसॉल्व के नाम से वीडियो क्लिप्स के अंदर एक ट्रांजिशन को अप्लाई किया। अच्छा जी, हम लोग ट्रांजिशन बिल्कुल स्टार्ट में अप्लाई करके देखते हैं। मैं इन वीडियो क्लिप्स के बिल्कुल स्टार्ट में आ जाता हूँ और ये देखें रेड ब्रैकेट मुझे नज़र आ रही है विद एरो, और यहाँ पे मैं करता हूँ जी राइट क्लिक एंड अप्लाई डिफ़ॉल्ट ट्रांजिशंस। तो जी दैट्स इट, बड़ा सिंपल वे है जी। अच्छा, यहाँ पे एक और बड़े मज़े की चीज़ है कि मैं इन ट्रांजिशन का टाइम पीरियड कम या ज़्यादा भी कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो एक क्लिप से दूसरे क्लिप पे बड़ी तेज़ी से ये मूव कर जाए, जो आपको यहाँ पे क्रॉस डिसॉल्व यहाँ से नज़र आना शुरू हो जाता है कि कुछ ना कुछ परसेंटेज अगले क्लिप की इंक्लूड करना वो शुरू कर देता है और यहाँ तक आते आते वो उसको कम्प्लीटली कन्वर्ट कर देता है सेकंड क्लिप के अंदर। मैं चाहता हूँ ये बड़ा क्विकली ये वाला काम हो जाए, तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, ये देखें, जब मैं इस ट्रांजिशन के एंड पॉइंट्स पर लेकर जाता हूँ तो मैं इसको यहाँ से करता हूँ ड्रैग और इसको मैं यहाँ पे करता हूँ छोड़ देता हूँ और इसके बाद मैं देखता हूँ, ये देखिए आप बड़े कम टाइम में ये एक क्लिप से दूसरे क्लिप पे मूव कर रहा है। और बिल्कुल ऐसे ही आप लोग ऑडियो जो साउंड्स हैं उसके अंदर भी ऐसे ही ट्रांजिशन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि ज़्यादा टाइम लगे और वो बड़ी दूर से ही सेकेंड क्लिप को कुछ ना कुछ परसेंटेज उसकी इन्वॉल्व करना स्टार्ट कर दे, तो आप लोग इस ट्रांजिशन को ज़्यादा टाइम भी असाइन कर सकते हैं, ठीक है, तो इट्स अप टू यू। अच्छा जी, एक और चीज़ हम लोग देखते हैं, अगर मैं इस ट्रांजिशन की प्रॉपर्टीज़ कुछ चेंज करना चाह रहा हूँ, सपोज़ अगर मैं क्रॉस डिसॉल्व पे क्लिक करता हूँ और मैं अपने इफ़ेक्ट कंट्रोल्स में आता हूँ, तो मेरे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैं इसकी चेंज कर सकता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखें, ये बना हुआ है ए और बी लिखा हुआ है, कि इससे हम थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो ट्रांजिशन है ये किस तरह कन्वर्जन कर रही है वन वीडियो क्लिप से सेकेंड वीडियो क्लिप के अंदर। और यहाँ पर इसका टाइम पीरियड भी आ रहा है, आप टाइम पीरियड यहाँ से ख़ुद भी एडिट कर सकते हैं, ये 1 सेकेंड एंड 21 पार्ट्स ऑफ सेकेंड उसका जो सा है वो ड्यूरेशन है इस ट्रांजिशन का,
इसके अलावा इसकी मज़ीद कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप चेंज कर सकते हैं और उनको व्यू कर सकते हैं। ये देखें, अगर मैं यहाँ से इसको प्ले करता हूँ तो ये एक ट्रांजिशन को कन्वर्ट कर रहा है बी ट्रांजिशन के अंदर। अच्छा जी, हम एक और काम भी कर सकते हैं, मैं ट्रांजिशंस को डिलीट कर सकता हूँ। सपोज़ मुझे ये वाली ट्रांजिशन नहीं चाहिए, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, मैं इस पर क्लिक करूँगा और अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करूँगा एंड दैट्स इट। ये ट्रांजिशन मेरी विद इन दीज वीडियो क्लिप्स रिमूव हो जाएगी और मैं दोबारा से कोई ना और ट्रांजिशन इस पर अप्लाई कर सकता हूँ। अच्छा जी, मैं एक और काम करता हूँ जी, मैं यहाँ से ऑडियो जो क्लिप्स हैं इसकी भी ट्रांजिशन को डिलीट कर देता हूँ और हम शॉर्टकट कीज़ के थ्रू डिफ़ॉल्ट ट्रांजिशंस को अप्लाई करके देखते हैं। जो काम हमने यहाँ पे किया था कि मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया था और अप्लाई डिफ़ॉल्ट ट्रांजिशन पे क्लिक किया था, हम लोग ये वाला काम थ्रू कीबोर्ड शॉर्टकट्स इसको अप्लाई करके देखते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको जी इन दोनों क्लिप्स की सिलेक्शन करनी पड़ेगी और उसके बाद अपने कीबोर्ड से शिफ्ट डी प्रेस करें। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि जो इसने ट्रांजिशन है वो ऑडियोज़ के ऊपर और वीडियोज़ के ऊपर दोनों पे अप्लाई कर दिए। अच्छा जी, मैं दोबारा इसको डिलीट करता हूँ इन ट्रांजिशंस को और मैं अब चाहता हूँ कि मेरे सिर्फ वीडियो क्लिप्स के अंदर ट्रांजिशन अप्लाई हो, ऑडियो क्लिप्स के अंदर ट्रांजिशंस अप्लाई ना हो। तो मैं फिर क्या करूँगा, मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल डी CTRL+D अप्लाई करूँगा एंड दैट्स इट। और इसके बाद जी मैं इसको दोबारा डिलीट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ अपने ऑडियो क्लिप्स के अंदर ट्रांजिशन को अप्लाई करना चाहता हूँ, तो फिर उसके लिए आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट कंट्रोल डी प्रेस करें। सॉरी, पहले हम इसकी सिलेक्शन कर लेते हैं और इसके बाद कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस करते हैं। तो इसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि अब उसने जो ट्रांजिशन अप्लाई की है वो सिर्फ ऑडियो क्लिप्स के अंदर अप्लाई की है, उसने वीडियो क्लिप्स में ट्रांजिशन को अप्लाई नहीं किया। अच्छा, यहाँ पे एक और बड़े मज़े की चीज़ है कि अगर आप चाहते हैं कि ट्रांजिशन वीडियो क्लिप्स और इस पिक्चर के दरमियान अप्लाई होनी चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा, जब भी आप स्टिल्स के अंदर और वीडियो क्लिप्स के अंदर ट्रांजिशन अप्लाई करने जा रहे होंगे, तो उसमें आप लोगों ने जब इस कट पे अपने कर्सर को लेकर आना है तो आप लोगों ने ये ख्याल रखना है कि जो एरो है वो पॉइंट कर रहा हो टूवर्ड्स योर वीडियो क्लिप, नॉट योर स्टिल या योर इमेजेस। तो मैं यहाँ पे आके राइट क्लिक करता हूँ और अप्लाई डिफॉल्ट ट्रांजिशंस। सो दैट्स वेरी सिंपल। अच्छा जी, अब हम आते हैं कि ये डिफ़ॉल्ट ट्रांजिशंस हम लोग चेंज कैसे कर सकते हैं या ये ट्रांजिशंस एग्जिस्ट कहाँ पे करती हैं। तो उसके लिए बड़ा सिंपल वे है जी, आप लोग अपनी विंडोज़ में जाएं और यहाँ से जाके इफ़ेक्ट्स पे क्लिक करें और प्रोजेक्ट पैनल वाले सेक्शन के अंदर आपके पास कुछ ये वाली फील्ड्स आपको नज़र आ रही होंगी, जिसमें ये देखें जी ऑडियो ट्रांजिशंस एंड वीडियो ट्रांजिशंस। तो हम लोग डिफ़ॉल्ट ट्रांजिशंस को चेंज भी कर सकते हैं। जो हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे थे वो कर रहे थे जी डिसॉल्व के अंदर जाके क्रॉस डिसॉल्व, ठीक है। जैसे हम डिप टू ब्लैक, अगर हम इसको डिफ़ॉल्ट ट्रांजिशन में कन्वर्ट करना चाहें तो मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और सेट सेलेक्टेड एज डिफ़ॉल्ट ट्रांजिशन, ठीक है। अगर अब मैं आके अपनी टाइमलाइन के अंदर शॉर्टकट कीज़ का यूज़ करूँगा तो अब वो डिप टू ब्लैक को डिफ़ॉल्ट ट्रांजिशन कंसिडर करते हुए डिफरेंट वीडियो क्लिप्स के अंदर इस चीज़ को यूज़ करेगा। और ऐसे ही आप लोग अपने जो ऑडियो ट्रांजिशंस हैं उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये बहुत थोड़ी हैं, सिर्फ 3 ट्रांजिशंस हैं ऑडियो क्लिप्स की, तो आप लोग इसमें से डिफ़ॉल्ट ट्रांजिशन चेंज कर सकते हैं या फिर यहाँ से ड्रैग करके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इट्स अप टू यू कि आप लोग कैसे ईजी फील करते हैं ट्रांजिशंस को अप्लाई करने के लिए। अच्छा जी, यहाँ पे हम लोग एक एनिमेशन ट्रांजिशन को थोड़ा सा देखते हैं। अगर मैं अपने इस वाले सेक्शन पर आता हूँ तो यहाँ पे आपको एक वाइट स्ट्रिप नज़र आ रही है, ठीक है। हम इस वाइट स्ट्रिप के ऊपर एक एनिमेटेड ट्रांजिशन को अप्लाई करके देखते हैं। मैं अपने प्रोजेक्ट पैनल में आता हूँ और यहाँ पे इफेक्ट्स वाले सेक्शन में, यहाँ पे हम वीडियो ट्रांजिशंस के अंदर स्लाइड वाले सेक्शन में आते हैं और यहाँ पे एक ट्रांजिशन है स्लाइड के नाम से। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल इसको ड्रैग करता हूँ और लाकर इस वाइट स्ट्रिप के ऊपर। हम पहले अपनी वाइट स्ट्रिप देख लेते हैं, हमारी वाइट स्ट्रिप कहाँ पे है जी, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं और ये जी बैकग्राउंड स्ट्रिप पड़ी हुई है। मैं अपने स्लाइड वाले ट्रांजिशन को ड्रैग करता हूँ और ला के इस पे प्लेस करता हूँ, ठीक है। अब मैं अगर इसको प्ले करके देखूँ तो अब आप देखिएगा कि एक एनिमेटेड ट्रांजिशन इस पे अप्लाई उसने कर दी है।
इसको प्ले करके देखते हैं जी। दैट्स वेरी गुड। सो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बड़ी खूबसूरत सी एनिमेशन हमने अप्लाई करके देखी है। तो हम लोग अब इसको थोड़ा सा एडिट भी कर सकते हैं। इसको एडिट करने का क्या वे है, मैं अपने हेड को इस पर लेकर आता हूँ और मैं यहाँ पे आके इस ट्रांजिशन पे क्लिक करता हूँ और इसकी प्रॉपर्टीज़ को मैं यहाँ से जाके एडिट कर सकता हूँ। ठीक है। अच्छा जी, अभी ये हमारे पास जो हमारा बैकग्राउंड स्ट्रिप थी ये मूव कर रही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हम चाहते हैं ये फ्रॉम राइट टू लेफ्ट मूव करे, तो उसके लिए आपको इफेक्ट कंट्रोल्स में जाके इसकी प्रॉपर्टीज़ को एडिट करना पड़ेगा। ठीक है। अभी आप देखें ये बी यहाँ पर लिखा हुआ है और ए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये निकल रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल इस एरो पे क्लिक कर दूंगा। अब आप देख सकते हैं कि ये फ्रॉम राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं। अगर अब हम इसको थोड़ा सा प्ले करके देखें तो ये चीज़ है, अब ये फ्रॉम राइट टू लेफ्ट आ रहा है। तो आप लोग ऐसे इसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसका जो टाइम पीरियड है वो यहाँ से भी शॉर्ट कर सकता हूँ, इसके अलावा मैं इसका टाइम पीरियड यहाँ से भी शॉर्ट कर सकता हूँ। मैं दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ और इसको एक दफ़ा प्ले करके देखते हैं। तो बड़ा क्विकली जो बैकग्राउंड स्टेप है वो सामने आ रही है और उसका टाइम हमने बहुत ज़्यादा शॉर्ट कर दिया। अच्छा जी, अब हम ट्रांजिशंस कुछ टेक्स्ट पे अप्लाई करके देखते हैं। मैं एक्सट्रीम बाइकिंग यहाँ से स्लाइड जो ट्रांजिशन है वो इस पर मूव करता हूँ। इसका टाइम पीरियड हम थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, स्लाइड वाले सेक्शन को इस पर भी मूव करते हैं। इसका टाइम पीरियड इसके अकॉर्डिंगली रख लेते हैं और जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं इसको हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो अब आप इसको प्ले करके देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट्स आते हैं। तो ये तो बड़े मज़े की चीज़ है जी, हमने एनिमेशंस बड़ी आसानी से अप्लाई कर दी हैं अपने डिफरेंट ग्राफिक्स के ऊपर और टेक्स्ट एलिमेंट्स के ऊपर। तो मैं देखना ये चाहता हूँ कि आप लोग बाकी ट्रांजिशंस को कैसे एक्सप्लोर करते हैं और कैसे उसको अप्लाई करके देखते हैं अपने वीडियो क्लिप्स के ऊपर, अपनी साउंड्स के ऊपर और डिफरेंट ग्राफिक्स और टेक्स्ट एलिमेंट्स के ऊपर। तो जब आप डिफरेंट और ट्रांजिशंस को यूज़ कीजिएगा तो मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड फॉर योर इंटरेस्ट। तो हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में कुछ मज़ीद चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो अब आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। टाटा, बाय बाय।